नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ के इस समय मौजूद है कोपागंज ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा लहरो दुनवार में और ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या समस्या है। कोपागंज स्थानीय क्षेत्र के ग्राम सभा लहरो दुनवार के यादव बस्ती में ग्रामीणों ने प्रधान पर नाली और खड़ंजा नहीं बनवाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द नाली और खड़ंजा लगवाने की मांग किया है। ग्रामीणों का कहना है कि यादवपुरवा में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। नाली खड़ंजा नहीं बनने से घरों का गंदा पानी कच्चे मार्ग पर बह रहा है, जिसके चलते आवागमन में लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। कोपागंज ब्लॉक के ग्राम सभा लहरो दोनवार के यादव बस्ती में कुल 25 से अधिक परिवार निवास करता है। इस ग्राम सभा में आजादी के बाद कई प्रधान आए, लेकिन यह विकास के लिए तरसता रहा। यहाँ के निवासियों के लिए न तो पक्का मार्ग का निर्माण हुआ और न ही नाली का, जिसके चलते घरों का गंदा पानी कच्ची सड़क पर बहता है। इसके अलावा बरसात में मार्ग पर पानी एकत्रित हो जाने के चलते आवागमन में परेशानी उठानी पड़ती है। मंगलवार को इस पुरवा के लोगों ने आक्रोशित होकर खड़ंजा और नाली की मांग करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी का कहना था कि अगर जल्द से जल्द खड़ंजा और नाली का निर्माण नहीं किया गया तो ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंच आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन करने वालों में राजेंद्र यादव, अशोक यादव, अरविंद यादव, चंद्रमा यादव, मनोज यादव, रामहर्ष यादव, गोरख बलिराम, दीना संजय, छोटेलाल वीरेंद्र, सुभाष पिंटू, दीनानाथ आदि लोग शामिल थे। इस बाबत पूछे जाने पर प्रधान प्रतिनिधि खोलू राजभर ने कहा कि इस पुरवा में जब भी कार्य करवाने जाते हैं ये लोग आपस में विवाद करने लगते हैं, जिसके चलते कोई कार्य नहीं हो पाता है। पानी निकास का कोई सुविधा नहीं है। प्रधान जी तो कह रहे हैं बहुत विकास कर रहे हैं, फिर विकास सर विकास तो और पुरवा में हुआ होगा, लेकिन हमारे पुरवा में कुछ भी नहीं हुआ है। आपको क्यों छोड़ दिया? अब वो बार बार ये कहते हैं कि हमको इस ग्राम मतलब इस पुरवा से वोट नहीं मिला है। प्रधान जी आते हैं? प्रधान जी कभी कभार आते हैं तो हम लोगों के यहाँ नहीं रुकते हैं, बार बार चले जाते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आप वोट नहीं दिए तो विकास नहीं होगा? वोट तो सर हम लोग दिए हैं, लेकिन अब वो जब नहीं मानेंगे तो उसके लिए क्या किया जाए? तो मेन रोकने का कारण क्या है? वोट वोट का नाम बताइए। क्या नाम है आप? हमारा नाम राजेंद्र यादव। कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम सभा लहरो दुनवार। प्रधान कौन है आपका? खोलू बच्चे लाल उर्फ खोलू। क्या हुआ आपके ग्राम सभा में, क्या समस्या आ रही है? हमारे ग्राम सभा में जल मार्ग और जन मार्ग दोनों समस्याएं बनी हुई है। प्रधान जी क्या कर रहे हैं? प्रधान जी कहते हैं कि हमको वोट नहीं दिए हैं, हम काम नहीं करेंगे, यहाँ तक कि जल मार्ग की जमीन जो है वो दूसरों द्वारा कब्जा करा रहे हैं। कौन करा रहे हैं? सरकारी प्रधान ही करा रहा है। वो कई बार उसको नापी के लिए कहा गया, वो सुन ही नहीं रहा है। हम कहे कि नापी करा करके जो नाला है उसको निकलवा करके और गाँव के जो है नापदान को उसमें बहवाया जाए। हाँ तो सुन नहीं रहे। इतना सुनने का कारण क्या है? वही उनको वोट कहते हैं कि हमको वोट नहीं दिए हैं, इस गांव का विकास ही नहीं होने देंगे आपके पूर्वे का। हाँ आपके ग्राम सभा का विकास नहीं होने? नहीं इस पूर्वे का विकास नहीं होने देंगे। ग्राम सभा हाँ दो चार दस घर जो है के नाम पर देख ही रहे हैं आप, रास्ता देखे हैं उधर से आए हैं, आगे का रास्ता चलिए आपको दिखा दें। सरकार विकास पे ध्यान दे रही है, फ्री क्या? तो उनके नाम पर ये हमारे गांव के नाम पर वो जीरो है ना, नहीं विकास इसका करेंगे। कहाँ आवास बना है? एक आध लोगों का कभी काल बन गया। आपको क्या लग रहा है कि सरकार को बदनाम कर रहे हैं? क्या प्रधान? वो प्रधान जो है सरकार यहाँ के नाम हमारे गांव के नाम पर जो है बदनाम करें या सरकार का जो है प्रोग्रेस दिखाएं। वाले आपके आरोप लगा रहे थे कि आप उनके जो ग्राम सभा में आप विकास नहीं कर रहे हैं, आपको वोट नहीं दिए? नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, हम तो वोट जो दिया तब भी या नहीं दिया तब भी विकास करने के लिए ही गांव जनता चुनती है कि गांव में रहेंगे प्रधान जी तो गांव काम करेंगे, रास्ता बनाएंगे, नाली बनाएंगे। सरकार की भी मंशा यही है कि मतलब कि आप जितना हो सके गांव में ग्रामीण विकास करिए। दूसरी बात कि कुछ लोग हैं वो लोग सरकारी नाला कब्जा किए हैं, बंजर भी कब्जा किए हैं, जाने के बाद वो रास्ता नाली निकलने में नहीं देते हैं, लाठी डंडा लेकर तैयार रहते हैं। ये भी कहते हैं कि अगर सपा की सरकार रहती, यादव लोग हैं, और सपा की सरकार रहती तो मैं बता देते तुमको तुम क्या करने आए हो। एक डीवा का थान था उस पर गए हम पौधा लगाने के लिए, उस पर भी लाठी डंडा लेकर चौपे कि नहीं नहीं करने देंगे हम लोग। हम कहे भाई नहीं, रास्ता डीवा का है, कमे तो लोग आते हैं साल भर में एक बार दो बार पूजा करने आते हैं, पानी लग जाता है, उसके बाद भी नहीं माने, नहीं मानते लोग हैं। जो नाली बना है वो किस जमीन पर?
वह जमीन सरकारी जमीन है, नाला भी है, सरकारी नाला भी है, खाद गड्ढा भी बगल में है, फिर जमीन पड़ती भी है। क्या लग रहा है कि वो आरोप आप पे झूठा लगा रहे हैं? अब उन लोगों की मर्जी है, झूठा तो है ही है। जब हम एक जिम्मेवार व्यक्ति हूँ और एक बार प्रधान नहीं हूँ, कई बार से प्रधान रहता हूँ, एक बार हमारी मलकिन प्रधान है। हम गांव में जाते क्यों नहीं है? हम नहीं जाएंगे तो और कैसे पढ़ेंगे, प्रधानी कैसे करेंगे? जाते हैं लोग, हमारी बतिये नहीं सुनते हैं तो थोड़ा हमको कष्ट होता है कि बताइए हम विकास करने के लिए आए हैं, ये लोग उल्टा बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार रहती तो हम बता देते तुमको, हमारी प्रधानी हम निकाल देते, तो हम क्या करें? हम मार तो करेंगे नहीं, हम जाएंगे तो अपना जो करना है खनिजा लगाएंगे, नाली बनवाएंगे, जो भी सुविधा हमको सरकार की तरफ से जो करना है वो तो हम करेंगे।